जी आए, अब हम अपनी डिश स्टार्ट करते हैं, चिकन हजूरे वाला। तो ये मैं इंग्रेडिएंट्स ज़रा बता दूँ। ये 1.5 kg बोनलेस चिकन है और इसमें 4 जो मीडियम साइज़ है, थोड़ा बड़ा आप ले लें, ऑनियन चॉप्ड, ये 4 टोमेटोज़ हैं जिनको डी सीड करके हमने लंबाई काट लिया, और ये 4 to 5 ग्रीन चिलीज़ हैं, ठीक है, और ये गार्निशिंग के लिए, और 1 cup इसमें घी जाएगा। अच्छा, ये भी घी में पकेगा? जी घी में पकेगा, और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, बहुत जल्दी। अगर हमें ऑयल में बनाना है तो इशू नहीं है जी, आप बना। और इसके अलावा आप इसको, जैसे मैंने तो ये स्ट्रिप्स में काटा हुआ है, आप इसको क्यूब्स में भी काट सकते हैं, और अगर आप चाहें तो बोन्स के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो ऑथेंटिक इसकी रेसिपी है वो बोनलेस के साथ है और स्ट्रिप्स के साथ है। अच्छा, इसमें सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, और ये जीरा और धनिया, इसको मैंने ड्राई रोस्ट करके तो इसको मैंने वो कर लिया है, पीस लिया है, ये इसका 1 spoon जाएगा, और 2 packets क्रीम के। अच्छा, 1.5 kg में 2 cup क्रीम जाएंगे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा फिर आप कर, ठीक है। अच्छा, अब जो आपका ये जीरा और धनिया है, ये आपने किस रेशो में पीस के रखा है? ये तो मैंने मतलब पीस के रख लिया, लेकिन इसमें जस्ट 1 tablespoon जाएगा। नहीं, धनिया कितना? अच्छा, फॉर एग्जांपल 2 tablespoon ऑफ जीरा, 2 tablespoon ऑफ कोरिएंडर सीड, इनको ड्राई रोस्ट किया और उसके बाद मैंने इनको, ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले 1 cup जो है घी जाएगा, आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरा घी भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप लोग रोज़मर्रा जो खाना बनाते हैं वो घी में ही पकाते हैं? नहीं, बस हमारे घर तो ज़्यादा ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि मेरे फादर हैं वो ज़रा हार्ट पेशेंट हैं और ऑयल में बनाते हैं, लेकिन कुछ रेसिपीज़ हैं जिनमें मतलब घी जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है, थोड़ा सा इसको ये मेल्ट हो जाता है। उसके बाद हम इसे प्याज सौते करेंगे, और प्याजों का ना ऑनियन का आपने कलर बिल्कुल चेंज ही होने देना, कलर जस्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए, सॉफ्ट, ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए वेदर की वजह से ज़रा। चले मैं इसमें डाल देती हूँ, साथ साथ ही हो जाएगा। ये जो 3-4 ऑनियन है जिनको मैंने चॉप कर लिया था, और ये इनको हमने बस ट्रांसपेरेंट होने देना है, कलर इनका बिल्कुल चेंज नहीं करना, ब्राउन नहीं होना चाहिए, ये वाइट वाइट सा होता है जी। ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, अब हम इसमें ये अपना जो है ये बोनलेस चिकन जो है इसको ऐड करेंगे। 1.5 kilo बोनलेस चिकन, 1.5 kilo बोनलेस चिकन है जी, जूनियन। 1 cup घी लिया, उसमें प्याज ली 3-4 चॉप करके उसको अच्छी तरह से, इसलिए ये अनियन क्योंकि ये थोड़ा ग्रेवी सी कम होती है, तो बस अनियन से ही जो थोड़ी ग्रेवी बनी है, थोड़ा सा उसको सॉटे किया, ट्रांसपेरेंट किया, कलर चेंज होना है। अब ये इसका कलर बस हमने चेंज होना है, फिर हम इसे ऑयल जो है हम इसको रिमूव कर लेंगे। बाज लोग हैं जो बिल्कुल घबरा जाते हैं जब गेस्ट आते हैं जी, अब क्या करें, डिलीवरी करवाओ जी। मेरी ये मतलब शुरू से रूटीन है कि मैं काफ़ी चीज़ें जो हैं उनको स्टैंड बाय रखती हूँ, कि जैसे गेस्ट आ जाएँ जल्दी से, जस्ट 2 minutes। अच्छा, इसको निकालना क्यों ज़रूरी है घी को? बस इसकी रेसिपी ऐसी, क्योंकि जब हम क्रीम डालेंगे ना, तो क्रीम हम डालें, इस जस्ट क्रीम ही तो है इसका इंग्रेडिएंट, और इसमें कुछ भी नहीं है, टमाटोज तो जस्ट एक वो थोड़ा सा कलर देने, तो क्रीम सारा ऑयल को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो देखने में, और जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में कैसी है। अच्छा, इसलिए आप फिर जी जब ऊपर से ऑयल जाएगा तो वो ऊपर ही रहेगा। अच्छा, और आपको पता है हमारे पाकिस्तानी खाने जब तक ऊपर घी ना नजर आ रहा हो तो वो जी खाना ही नहीं। आपको बेसिकली इसका पानी खुश करके और फिर घी निकालना, बस इसका पानी खुश हो जाएगा और इसका मैं घी, चिकन तो कुक हो जाएगा इतनी देर में, बोनलेस है, और मैं इसका घी रिमूव कर लूँगी। 1/2 tablespoon इसमें जाएगी वाइट पेपर, थोड़ा कम डाल और उसके बाद हम इसको मिक्स करते हैं, मसाला मिक्स कर दिया। अब इसमें ये ग्रीन चिलीज जो है ये 4 to 5 मैंने डाली थी। अच्छा, मोटी वाली लें या छोटी लें, कोई जो जी आपकी मर्जी है, मोटी है छोटी, ये मैं 1/2 से ज्यादा फिर डालूंगी थोड़ी गार्निश के लिए रखूंगी। और ये जो टोमेटोज़ हैं ये आप सारे इसमें, ये 4 tomatoes थे, 1.5 kg के लिए 4 tomatoes हैं, बाकी आपके टेस्ट पे है, कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये इसी तरह जूलियन कट ले देंगे। 2 minutes के लिए मैं इसको छोड़ती हूँ, थोड़े से टोमेटो सॉफ्ट हो जाए, मसाला जो मिक्स हो जाए, उसके बाद उसका जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है क्रीम, 2 cup क्रीम, क्या जो ग्रेवी है इसी से बननी है। ठीक, बस मेरा ये हो गया है, अब हम इसमें
करते हैं अपना 2 कप क्रीम ऐड करेंगे, एक में एक कप जी, एक में कप होता है इक्वल। तो टेट्रा पैक ही यूज़ करें, घर की यूज़ ना करें, उसका ना फ्लेवर चेंज हो जाता है। इसीलिए इसमें से घी रिमूव किया था कि जब ये हम ये क्रीम डालते हैं तो ये बिल्कुल एकदम से इकट्ठा सा हो जाता है। मैं ये घी डालूंगी तो ये, अब ये देखें क्रीम को हमें ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्रीम ने फ़ौरन वो अपना छोड़ देना है। ये जो घी है जो हमने रिमूव किया था, ये हम इसमें सारा डाल देंगे और इसको दम पे रख देंगे 2 मिनट के लिए जस्ट। ठीक है जी, ये देखें ये कितना इसमें घी जो है सारा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम दम पे रखते हैं और फिर हम बैठते हैं। ठीक है, कितनी देर के लिए? 5 मिनट? 2-3 मिनट्स के लिए बस, जस्ट। ठीक, आ जाए। मैंने आज इसलिए ये डिश चूज़ की थी कि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे बेटे को बहुत पसंद है। अच्छा। इसकी तो बस यूनिवर्सिटी से आता है तो डिमांड होती है, बच्चों को वैसे भी कॉन्टिनेंटल चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। थोड़ी डिफरेंट रेसिपी थी, मैंने कहा चले मैं सब व्यूअर्स को बताती हूँ।